हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? 1³ - 2³ + 3³ - 4³। वैसे करते करते 9³ का आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, पी वाई क्यू का क्वेश्चन ही है, तो मैं सबसे पहले ओड नंबर को साथ में ले लेता हूँ, मतलब कि 1³ + 3³ + 5³। उसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है? 7³ + 9³। मैंने क्या करा, प्लस वाले टर्म को साथ में ले लिया। अब माइनस वाले इवन टर्म्स हैं सारे, -2³ - 4³ - 6³ - 8³। बस इसका हमें सम फाइंड करना है। तो एक बात आप नोटिस करो, ये जो है ना उसका मैं एंथ टर्म निकालना चाहूंगा। किसका? ओड नंबर का एंथ टर्म। एंथ टर्म क्या है? मतलब कि मैं ऐसा ए एन निकाल लूं कि जिससे इतना फॉर्म क्रिएट हो जाए। तो जो ए एन है वो हमने ऑब्जर्व किया कि ओड नंबर है, और ओड नंबर कौन से फॉर्म में होता है? 2n+1 and 2n-1, दोनों क्या है? ओड नंबर ही है। लेकिन मैं एन इक्वल टू वन रखता हूं तो मुझे ये आंसर आना चाहिए, ना कि कोई दूसरा आंसर, क्योंकि एन इक्वल टू वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। एन इक्वल टू वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो मैंने एन इक्वल टू इधर वन रखा तो 2 + 1 = 2 + 1 = 3 मिला, तो ये मेरे लिए फॉर्म कंसीडर नहीं करेगा। तो कौन सा करेगा? ए वाला, 2n-1, क्योंकि मैं जब n इक्वल टू वन रखता हूँ तो 2 - 1 = 1, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल रहा है। लेकिन उसका है क्या, एक्चुअली उसका क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। हमारा nth टर्म का फॉर्मूला ओड नंबर के लिए ए है, जबकि यहाँ पे मैं अगर किसी चीज बात करूँ तो इवन नंबर होता है 2n, लेकिन उसका भी है क्या? क्यूब। तो ये उसका nth टर्म है ना। लेकिन इसका करना क्या है हमें? समेशन। तो हम समेशन करते हैं, तो देखो मैं समेशन करता हूँ सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 - 4, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, लेकिन मैं 4 टर्म्स ही लेने वाला हूँ। इस 9³ को मैं वापस लास्ट में रखूंगा, एड ही करना है ना सिर्फ इसलिए। अब क्या आएगा इधर? 2n-1 उसका क्यूब। इसका मीनिंग क्या हुआ? एन इक्वल टू वन रखोगे आप तो 1³, उसके बाद एडिशन की साइन, एन इक्वल टू 2 रखोगे तो 3³ होगा, एडिशन की साइन, बाद में आप 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4 - 1 = 3, 3³, 3 रखोगे तो 3 × 2 = 6 - 1 = 5³, 4 रखोगे तो 4 × 2 = 8 - 1 = 7³। ऐसा बना, यस, प्लस 9³ एज इट इज रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे भी 4 टर्म है ना, इसलिए मुझे 4 टर्म को साथ में रखना था। अब इधर से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि समेशन रहेगा, पूरा लिख ही देता हूँ, 2³ + 4³, वैसे करते करते 8³, मतलब सारे पॉजिटिव टर्म बन जाएंगे ना। यस, यहाँ पे मैं एक्सपांड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2n³ - 1³ + 3 × 2n-1² + 3 ×, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, याद है ना आपको? यस, देन 2n² - 1 + 9³। अब माइनस साइन, अब यहाँ पे देखो समेशन क्या बनेगा, इसका एंथ टर्म क्या है, तो क्योंकि उसका एंथ टर्म है 2n, उसका क्या है? क्यूब, लेकिन n रनिंग फ्रॉम 1 - 4। इतना समझ में आया बच्चों? यस। अब देखो ये जो समेशन है वो सबको सेपरेटली अप्लाई हो सकता है, यस, तो इधर आएगा समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 - 4 2⁻ⁿ³, ऐसा है, यस। अब माइनस 1³ तो 1 होता है, तो समेशन n इक्वल टू 1 - 4 क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, प्लस 3 × 2 = 6 - 1² पर होता है +1, तो 6 तो कांस्टेंट है, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 - 4 सिर्फ अंदर क्या रहेगा, n। अब ये समेशन यहाँ पे अप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो इधर आएगा 3 एंड 2² कितना होता है 4, वो 4 भी बाहर चला जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर ही रहेगा अंदर, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 10 सेकंड वापस कर लो, फिर से समझ लो, सब कुछ बोला हुआ हूं मैं। माइनस, अब इसको एज इट इज रखो, क्यू एज इट इज रखने को बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो सेम हो चुके हैं, और मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे क्यू 4 टर्म्स ही लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था दोनों तरफ मैं 4 टर्म्स लूंगा तो ये कट हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 होता ना तो कट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक टर्म ज्यादा है इसलिए। चलो ये तो कट हो गया,
अब या वन लिखा है उसका मतलब क्या होता है, वन प्लस वन कितने टाइम्स, फोर टाइम्स, तो क्या हो गया माइनस फोर। अब यहाँ पे प्लस सिक्स एज इट इज, समेशन एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। आप एन की जगह पे क्या पुट करने वाले हो, फोर, क्योंकि फोर टर्म का ही सम चाहिए, माइनस थ्री फोर जार ट्वेल्व एन स्क्वायर है, तो फॉर्मूला है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, एन नाइन क्यूब होता है सेवन टू नाइन। ये क्लियर है सबको? यस बच्चों। अब एन इक्वल टू फोर है, वो पहले फोर पुट कर देते हैं, तो माइनस फोर प्लस सिक्स एकट होगा थ्री जा यस या थ्री। अब यहाँ फोर पुट करना है, तो फोर एंड यहाँ पे फोर प्लस वन फाइव, इन सब का करना है अभी प्रोडक्ट, इधर भी हो गया टू जा, और फिर से आपको इधर फोर रखना है, मल्टीप्लाई बाय फोर, फाइव फोर टू जा एट प्लस वन नाइन प्लस सेवन ट्वेंटी नाइन। अब क्या, तो ओके माइनस फोर सेवन ट्वेंटी नाइन में से करोगे तो प्लस सेवन ट्वेंटी फाइव होगा। ओके अब थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी माइनस साइन। अब क्या होगा ध्यान से देखो, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी टू जा फोर्टी, फोर्टी इंटू नाइन 360 होगा, क्या होगा 360। अब ये यहाँ पे 360 में से माइनस करोगे तो माइनस 300 होगा, इसमें से माइनस 300 करोगे तो क्या होगा 425, क्या होगा 425। और चेक करो कोई ऑप्शन है 425, यस करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आया है, तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के सारे क्वेश्चंस देखने हैं PYQ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रोग्रेशन का, वहां पे आपको सारे PYQ मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।